नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं ऑलवेज न्यू मूवी अपडेट्स। इस वीडियो में बात करूंगा ड्रग्स को लेकर के कि कैसे इंडियन फिल्म इंडस्ट्री में ड्रग्स घुस चुका है। हाल ही में सुशांत सिंह केस को लेकर के काफ़ी बॉलीवुड के ऐसे सेलिब्रिटीज़ हैं जो कि पकड़ी गई हैं इस ड्रग्स खेल में, ड्रग्स के किस्से में, नशे के किस्से में। वहीं अगर मैं आपसे बात करूँ तो यहाँ पर एक और बड़ा नाम सामने आ रहा है। अभी तक आपको पता होगा कि आज के दिन रिया चक्रवर्ती को भी अरेस्ट कर लिया गया है एनसीबी के द्वारा। अब यहाँ पे बात आ रही है प्रभास की एक हीरोइन की। जी हाँ दोस्तों, बाहुबली प्रभास जो कि काफ़ी फेमस एक्टर हैं, इनकी एक मूवी में ये जो एक्ट्रेस हैं वो काम कर चुकी है। और आप कह सकते हैं कि ये कहीं ना कहीं कन्नड़ फिल्म इंडस्ट्री में भी इनका जाना माना नाम है और तेलुगु फिल्म इंडस्ट्री में भी इन्हें लोग जानते हैं। तो कौन है ये प्रभास की एक्ट्रेस जो प्रभास के साथ काम कर चुकी है? तो मैं बता दूँ, आपको याद होगा संजना गालरानी। संजना गालरानी जिन्होंने सेकंड हीरोइन का रोल निभाया था प्रभास की मूवी बुजीगाड़ू में। अब आजकल हालांकि ये जो काम कर रही है कन्नड़ फिल्म इंडस्ट्री में, आजकल ये ज़्यादा काम कर रही है, लेकिन जो रिसेंटली इनकी अपडेट आई है वो ये है कि द एक्ट्रेस इज़ नाउ अरेस्टेड इन कनेक्शन विद ए ड्रग केस एट हर होम इन बेंगलुरु इंदिरा नगर अर्ली दिस मॉर्निंग। जहाँ दोस्तों न्यूज़ आ रही कि आज के दिन सुबह में ये एक्ट्रेसेस जो है, जब इनके घर में रेड पड़ी तो ये ड्रग केस के अंदर जो है शामिल थी और यहाँ पे इन्हें आज सुबह अरेस्ट कर लिया गया है। जहाँ दोस्तों शी वाज अरेस्टेड एट द एंड ऑफ सेंट्रल क्राइम ब्रांच रेड एट हर होम एंड वाज टेकन द सेंट्रल क्राइम ब्रांच ऑफिस फॉर इंटरोगेशन। तो इन्हें अरेस्ट कर लिया गया है और सेंट्रल क्राइम ब्रांच ने जो है इन्हें इंटरोगेशन के लिए इन्हें ले जाया गया है। तो यही कहूँगा कि अभी तक जो है 13 पीपल जो है, तो यहाँ पे और भी 13 पीपल हैव बीन बुक्ड एंड 6 अरेस्टेड इन दिस केस। तो यही कहूँगा कि अभी और भी एक्ट्रेस हैं जो अरेस्ट हुई है और इनमें से एक। तो यही कहूँगा कि ये इंडियन फिल्म इंडस्ट्री में क्या चल रहा है किसी को कुछ नहीं पता और ड्रग्स का खेल कुछ ज़्यादा ही बढ़ता जा रहा है। धन्यवाद।